साल 2019 में 100 करप्शन केसेस की तहकीकात, बदुलवानी के 130 मुलजिम गिरफ्तार, तकरीबन 30 अरब की रिकवरी, 55 रेफरेंस फाइल किए, नैब ने रवा बरस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, मुख्तलिफ मुकदमात के मुतासरीन में 3 अरब तकसीम किए, रिकॉर्ड 13,000 दादरसी की दरख्वास्तें वसूल की। लाहौर के टॉप 20 जराइम पेशा अफराद कौन, लाहौर पुलिस के रिकॉर्ड में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट का पहला नंबर, शफकत महमूद उर्फ बग्गा भट्ट, मोहम्मद इलियास उर्फ इलियास गुजर, मोहम्मद इम्तियाज उर्फ ताजा गुजर, अमीर बलाश, अवैध शीमा, मलिक लियाकत अली, मोहम्मद मंशा उर्फ मंशा बम, मियाँ हसीब उर्फ मियाँ विकी का नाम लिस्ट में शामिल, लाला जुबैर उर्फ झारा, मोहम्मद जावेद फरीद गुजर, मोहम्मद इलियास फिरोज खान उर्फ पेंडू का नाम शामिल। सबसे ज्यादा मुकदमात मोहम्मद मंशा उर्फ मंशा बम के खिलाफ 55 मुकदमा दर्ज हैं। शहर की सड़कों को रोशन करने के दावे जमानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सके, स्ट्रीट लाइट्स के लिए जारी किए गए 8 करोड़ भी ना काफी, शहर की 13 मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को रोशन ना किया जा सका। एलटीसी की बंदिश के बाद 19 रूट्स पर लाहौरी बेयारो मददगार, कंपनी मतबादल ट्रांसपोर्ट का लाहे अमल बनाने में नाकाम, 22 रूट्स पर मस्ता सर्विस फराहम करने का दावा, सिर्फ 2 रूट्स तक ही महदूद, वेलेंशिया स्टेशन और जिना टर्मिनल से जेलो मोड ही मस्ता ट्रैक ऑपरेशनल किए जा सके। उर्दू बाजार के माजिद सन्स प्लाजा में आतिश जदगी का अफसोसनाक वाकया, झुलसने वाला शख्स जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा, 2 जख्मी में अस्पताल मुंतकिल, प्लाजे में आग चाय बनाते हुए सिलेंडर फटने से लगी, 1 घंटे की जिदोजहद के बाद रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ग्रेड 1 से 8 तक के मुलाजमीन का महाना यूटिलिटी अलाउंस 6,000 रुपए कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर और सुपरिटेंडेंट का यूटिलिटी अलाउंस 14,000 कर दिया गया, महकमा खजाना ने यूटिलिटी अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीनियरिटी फहरिस्त मुस्तरद, सेक्रेटरी रेगुलेशन ने डीपीआई कॉलेजेस जहांगीर अहमद की मंजूर करदा सीनियरिटी लिस्ट मुस्तरद कर दी, खिलाफ जाब्ता सीनियरिटी लिस्ट में शामिल, अब्दुल कादिर मुजार वजीर आला के करीबी अजीज भी शामिल, डीपीआई कॉलेजेस ने 2011 के असिस्टेंट प्रोफेसर को 2010 पर फौकियत दी थी। सर्दी की शिदत में इजाफे से गैस बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग, इशरा बाजार मकबूल रोड और मलिका इलाकों में गैस बंदिश, लो प्रेशर की भी शिकायत, नसीराबाद में गैस बंदिश पर एहतजाज, शहरियों के सिलेंडर उठाए मुजाहरा। सर्दी की शिदत और गैस शॉर्टेज से एलपीजी के ताजरों की चांदी हो गई, सरकारी ने 129 रुपए किलो नजरअंदाज, 150 रुपए पर फरोश जारी, जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश। लाहौरियों को बीमार जानवरों के मुजरे से गोश्त से बचाने की मुहिम, डीजी फूड अथॉरिटी की बकर मंडी में गैर कानूनी मिसबाखानों के खिलाफ कार्रवाई, 1,355 किलो मुजरे से गोश्त जब्त, 2 मिसबाखाने सी। सरफराज कॉलोनी के इलाके में घर में चोरी की वारदात, चोर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान चुरा कर फरार, वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, उधर नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई, दुकान में डकैती करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार, मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और नकदी बरामद कर लिया। फैशन डिजाइनर्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रेडार पर आ गए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सेल्स टैक्स अदायगी न करने वाले फैशन डिजाइनर्स के खिलाफ कार्रवाई, फैशन डिजाइनर अली जीशान और फहद हुसैन के स्टूडियो से सेल्स का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिसंबर में पूछगछ करना याद आया, बोले जज वीडियो स्कैंडल पर जवाब पहले ही जमा करा चुके, वाकिफ पर डटे हैं, बताया जाए जज अशरफ मलिक से तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। परवेज मुशरफ की सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रुकवाने की दरख्वास्त, एतराज लगाकर वापस, रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जजेस छुट्टियों पर हैं,
फुल बेंच के रूबरू परवेज मुशर्रफ की एक और दरख्वास्त पहले ही 9 जनवरी को समाप्त के लिए मुकर्रर है। साबिक सदर के वकला का सजाए मौत रुकवाने के लिए 9 जनवरी से कबल दोबारा दरख्वास्त दायर करने का फैसला। पानी के तहफ्फुज़ के लिए मौसर इकदाम ना करने पर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। वाटर और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक कमीशन की तजावीज पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत अदालतों पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं कर रही। वजीर माहौलियात को अदालत खुद आकर वजाहत पेश करने का हुक्म। 15 जनवरी के लिए नोटिस जारी। एनडीए कारकर्दगी दिखाने की बजाय सोया है। वासा कहता है पीने का साफ पानी मयसर नहीं। सेफ सिटी अथॉरिटी पर इतनी रकम खर्च की जा रही है, दूसरे महकमों पर क्यों नहीं। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत पर नामज़द चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख के रिमार्क्स। बोले हुकूमत के महकमे अपने लीगल सिस्टम को बेहतर बनाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आलूदगी रोकथाम की रिपोर्ट की तलब। सेशन कोर्ट के बख्शी खाने में मंशियात फरोख करने की शिकायत पर एक्शन। मुलजिमान की नकलो हरकत का जायजा लेने के लिए बख्शी खाने में सीसीटीवी कैमरे नस्ब। सेशन जज लाहौर का बैरक के अंदर भी कैमरे लगाने का हुक्म। मुलजिमान को सेशन कोर्ट के कंट्रोल रूम से चेक किया जाएगा। कैदियों के लिए खुशखबरी। महकमा दाखिला ने पेरोल पर रिहाई के लिए पेरोल सर्विस बना दी। डीजी रैंक का अफसर पेरोल सर्विस का सरबरा होगा। डेढ़ साल के बजाय 7 शोब्स में कैदियों की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाएगा। महकमा दाखिला का जेल कारपेट इंडस्ट्री में भी जिद्दत लाने का फैसला। कारपेट के नित नए डिजाइन मुतारिफ कराने के लिए SNGAD महकमा खजाना को इशारा। सूबाई वजीर डिजास्टर पंजाब हुकूमत के लिए डिजास्टर बन गए। वसाइल के बेदरेख इस्तेमाल किफायतशारी मुहिम के पर खच्चे उड़ा दिए। इस्तेहकाक के खिलाफ सूबाई वजीर खालिद महमूद के जेर इस्तेमाल डिजास्टर अथॉरिटी की 3 गाड़ियां। महाना 600 लीटर पेट्रोल के अलावा अमला भी बहती गंगा से हाथ धोने में मसरूफ। अरकान असेंबली का इजलास की कार्रवाई पर अदम एतमाद या गैर संजीदा रवैया। पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट पर एक भी रुकन ने बहस में हिस्सा ना लिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत कहते हैं जिन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए वो भी एवाम में नहीं आते। पैनल ऑफ चेयरमैन शफी इजलास की सदारत। इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर हमजा शहबाज और सलमान रफीक भी शरीक हुए। मुल्क में एहतसाब नहीं, इंतकाम का सिलसिला चल रहा है। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पंजाब हुकूमत बताए 14 माह में कौन सा एक मंसूबा मुकम्मल किया और ऑरिजिनल ट्रेन चलाने की किसी एक डेडलाइन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तलबा से पैसे बटोरने का नया मंसूबा। तलबा को डिग्री जारी करने की फीसों में 2 गुना इजाफा कर दिया। पीएससी की डिग्री जारी करने की फीस 3 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी गई। एमए बीए बीए डिग्री की फीस 1200 से बढ़ाकर 2400 रुपए मुकर्रर। फीसों में इजाफे का इतलाक शकम जनवरी 2020 से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सैलाब हो या सिलसिला ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर रख दिए। गवर्नर पंजाब का यूआईपी पार्लियामान के नायब सदर के एजाज में तकरीब से खिताब। मेहमान यूआईपी पार्लियामेंटेरियन की GSP+ के लिए कोशिशें करने की यकीन दहानी। हुक्मरान का ईमानदार होना बहुत जरूरी लेकिन समझ बूझ भी होनी चाहिए। लोग सोचते हैं नई दुकान आई है सौदा अच्छा मिलेगा, बाद में लोग कहते हैं कि वही दुकान ठीक थी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का माहौलियाती पॉलिसी से मुतल सेमिनार से खिताब। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा बोले हमने एम्बुलेंस सर्विस तालीम किताबें मुफ्त की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा यहाँ पर लोग थोड़ा भी काम करने तो ढिंढोरा पीट देते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के तआवुन से कर्जों की तकसीम। जामा मस्जिद मोहम्मदी हनफी सोडेवाल में छोटे कारोबार के लिए कर्जे तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम। वजीर सरहद असलम इकबाल बोले आवाम के मसाइब का हाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब का मुस्तफीद होने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
पंजाब जुडिशियल अकेडमी की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम खान के एहसास में तकरीर। चीफ जस्ट सुप्रीम एपिलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान सैयद अरशद हुसैन शाह, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम, हबीबुल आमिर समेत दीगर जजेस वकला की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असेंबली मलिक वहीद की बेटी की शादी, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार आयाज सादिक, शेख रोहेल असगर, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, बिलाल यासीन, सैयद तौसीफ शाह, साबिक मेयर लाहौर मुबशिर जावेद, साबिक डिप्टी मेयर सवाती खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मजहबी अमून राना जावेद की साहबजादी की शादी, तकरीब में महफिल मिलाद और महफिल समा का अहतमाम। मारूफ कवाल शेर मियादात ने सुफियाना कलाम पेश किया, तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत। इंटर सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल, एयरफोर्स की टीम ने पाक आर्मी 11 को शिकस्त। इंटर सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल, एयरफोर्स की टीम ने पाक आर्मी 11 को शिकस्त दे दी। पाक आर्मी ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए, एयरफोर्स की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। और लाहौर डिवीजन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, लाहौर डिवीजन से 300 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। असद महमूद मिस्टर लाहौर और उमर नईम ने जूनियर मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम कर लिया। फिजिक फिटनेस का टाइटल लाहौर के अमीर हमजा ने अपने नाम किया।